शुभम करोति कल्याणम। एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी में। दोस्तों, दिल से तहे दिल से बहुत सारा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरी चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आप मेंबरशिप लेते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइफ चेंजिंग वीडियोस होंगे और मैं मंथली आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आऊँगी। ओके, जो भी आप मुझे सजेस्ट करेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग द चैनल तो मैं करूँगी। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है कि आपका जो पार्टनर है उसकी क्या करेंट एनर्जी है, अभी उसके दिल में क्या चल रहा है, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या वो सोच रहा है आपके बारे में। और इसके साथ ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टैरो रीडिंग के लिए ओरेकल कार्ड्स निकालेंगे, टैरो कार्ड्स निकालेंगे, टैरो डेक्स यूज़ करेंगे। साथ में मैं आपके लिए स्पेल्स यूज़ करूँगी, क्या स्पेल्स आ रहे हैं, लव स्पेल्स आ रहे हैं या कोई और स्पेल्स आ रहे हैं वो भी देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, हम जानेंगे छोटे छोटे टाइनी टाइनी कार्ड्स हैं उसमें से क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ है चार्म्स। चार्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा की तरह मैं दो पाइल्स लेकर आई हूँ, दो में से किसी एक पाइल को आपको सिलेक्ट करना है और आप स्क्रॉल करके अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। ओके, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये जो बेल बटन है इसको प्रेस करना नहीं भूलना है, सो दैट मेरे रीडिंग के आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। बहुत सारी बातों के साथ हम चलते हैं आज की रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और ये है डेक्स जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, साथ में ये दोनों पाइल्स हैं, आप पास से देख सकते हैं इन पाइल्स को। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके, सो गाइज, दिस इज पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये वाला रिंग सेलेक्ट, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या कार्ड्स आए, मैं फटाफट शफल कर लेती हूँ। सो हे ग्रुप नंबर 1, दीज आर योर कार्ड्स। ये हम लास्ट में ओपन करेंगे स्पेल्स। अभी जो मैंने कार्ड्स ओपन किए हैं उसके आधार पर एक बात तो तय है, एक बात बिल्कुल फैक्ट है, वो ये है कि आपका जो पार्टनर है, ही और शी, दे आर वेरी मच एस्टेब्लिश्ड। उनके खुद के एरिया में वो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत ही वेल्दी हैं, रिच होंगे और बहुत ही हार्डवर्किंग होंगे। कुछ मैजिकल मैं इस रिलेशनशिप में देख रही हूँ। उनकी जो फीलिंग्स इस समय आपको लेकर के, वो अभी अपने आप को हील अप कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप बहुत टाइम ऐसा हुआ होगा कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, या कम्युनिकेशन गैप हुआ है, या फिर अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा बहुत कमी आई है, जिसकी वजह से अब जो ये रिलेशनशिप है वापस पटरी पर आई है। कहीं ना कहीं उस बैड एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है, या ये भी हो सकता है दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनकी कोई पास्ट में कोई और भी बैड रिलेशनशिप रही थी, जिसकी वजह से उनका ये जो कहते हैं ना, धारणा उनकी बदल गई थी। बट अभी फ़िलहाल वो आपको लेकर के बहुत सचेत हैं, आपको लेकर के बहुत ही सिक्योर फील कर रहे हैं, और आप भी उनको लेकर के बहुत सिक्योर फील कीजिए। रीज़न बीइंग कि वो अब, सिक्स ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, थ्री ऑफ वेंड्स है, वो अब जो है आपका साथ देना चाहते हैं। अब वो एक ऐसी स्टेज में आ चुके हैं, ऐसी एक जगह पर खड़े हुए हैं आपको लेकर के, जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक जो टाइम था वो निकल गया, अब आपको, उनको आपकी ज़रूरत है। रिलेशनशिप में रीबर्थ का कार्ड आने का मतलब यही है, जो मैंने आपको इस कार्ड के लिए बताया है। ये जो रीबर्थ का कार्ड है ना गाइज, ये रीबर्थ का कार्ड है, इट शोज़ कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक नया आयाम आ रहा है, नई परिस्थितियाँ जुड़ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है आपका पार्टनर कुछ दिनों आपसे दूर रहा हो, कहीं बाहर उसकी नौकरी लगी हो, तो जो एक अकेलापन में रहना होता है या अकेले रहना होता है उसको, वो एक कहते हैं ना, फीलिंग उसके मन में आई, तब उसको आपका एहसास हुआ, आपकी वैल्यू हुई, चीज़ों की वैल्यू हुई, रिलेशनशिप की वैल्यू हुई, ये हो सकता है। इसके साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं फ़िलहाल, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक और चीज़ है जो मुझे फील हो रही है कि वो आपको एक उम्दा लाइफ देना चाहते हैं। ये जो रिलेशनशिप है वो आपकी बहुत ज़्यादा मुझे आगे तक दिख रही है, लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि उनको अब जो है गाइडेंस, वो कहीं बाहर गाइडेंस नहीं ढूंढ रहे हैं, उनको खुद का गाइडेंस मिल रहा है, उनको खुद को चीज़ें महसूस हुई हैं, खुद को चीज़ें समझ में आई हैं। ये देखिए गाइडेंस का कार्ड है, इट शोज़ कि उनको चीज़ें अपने आप समझ में आई हैं और उन्होंने चीज़ें मटरलाइज करना स्टार्ट की हैं। अब क्या हो रहा है ना कि जब लाइफ में मैजिक होता है ना, तो इफ़ एंड बट्स नहीं होते, अपने आप ही चीज़ें होने लगती हैं।
न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जब आप अपने आप को प्रूव कर सको उनके सामने। वो न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ लेके चल रहे हैं और अपने आप को स्टैंड बाय कर रहे हैं लोगों के सामने, अपनी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर ये बात उनके घर में नहीं हुई तो वो घर में कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है कि वो दोस्तों से इस रिलेशनशिप को छुपा रहे थे तो अब वो खुलना स्टार्ट हो गए, मतलब वो ओपन अप हो रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर के। कि बहुत सारी ऐसा हुआ होगा कि उन्हें अपनी फीलिंग्स छुपाई होंगी या वो नहीं बता पाए होंगे, बट फिलहाल वो अपनी इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से कंसर्न्ड हैं, पॉजिटिव हैं और ये चाहते हैं कि लोगों को मालूम चले, सो दैट कहते हैं ना कि एक रास्ता तैयार हो, है ना। तो ये जो फीलिंग है वो मुझे दिख रही है, बहुत ही हो सकता है बहुत ज़िद्दी टाइप के हों, जब भी गुस्सा आता हो तो बहुत ज़बरदस्त आता हो इस तरह का हो, लेकिन वो मन से बहुत साफ़ हैं आपको लेकर के। कहते हैं हम कि एवरीडे स्पेल्स आया है हमारे पास, अल्टर स्पेल्स आए हैं, वाओ, एवरीडे हीलिंग एंड लव स्पेल्स। छोटा सा ही उनको आपने मैसेज कर दिया आई लव यू का, ये छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए बहुत चार्मिंग हो सकती है। तो आपको अभी क्या करना है, आपको फटाफट से इस वीक में उनको कॉल करना है और उनसे बात करनी है और आपको डेट पर जाना है, ओके। कहीं ना कहीं आपको मिलना है, ओके। ओपन योर थर्ड आई, अपने आप को सोचना स्टार्ट कर दीजिए, लोग आपको भड़का सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑल्सो अपने आप को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाइए, ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कीजिए जो आप ऑलरेडी हैं, बट थोड़ा अपने अंदर इन्हेंस कीजिए। आपसे मिलने के लिए परेशान हैं, तड़प रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये मैसेजेस क्या हैं, उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए चार्म्स, ओके। साथ ही आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, वाओ, यू आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, दिस मैसेज हैज़ कम, डोंट वेस्ट मनी, पैसा फालतू वेस्ट नहीं करना है, परिवार आपके लिए बहुत कुछ है, परिवार को कॉन्फिडेंस में लेके चलिए। नंबर 22, यस, नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, नंबर्स मैं बता देती हूँ। नंबर 22 नंबर 4 हो गया, मीन्स नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 4 एंड दिस पर्टिकुलर नंबर 22। बी प्रेजेंटेबल अगेन, हेड, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कीजिए और प्रेजेंटेबल होकर उनके से मिलने जाइए, ओके। चलिए देख लेते हैं फटाफट आपके लिए क्या चांस आते हैं, ओके। सो देख लेते हैं हम, ओके। सो मिरर आया है, इसका मतलब आपको सजने संवरने की बहुत ज़रूरत है, समय आप बहुत खूबसूरती से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए उनके सामने। आपके लिए ये फ्लावर आने का मतलब है कि रिलेशनशिप ब्लूम हो रही है, आगे बढ़ रही है, एकदम नया आयाम आ रहा है और यू नो आपकी एक कहते हैं ना कि ईश्वर से भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। गो विद द फ्लो, अगेन द सेम थिंग, जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसमें इफ एंड बट्स मत कीजिए, कहा ना आपके साथ हैं, अब आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यस, अपना स्टैंड बाय लीजिएगा और अपने दिमाग का, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, ये है ब्रेन, और अपना स्टैंड बाय करना सीखिए, घर में खुद के डिसीजंस लेना है। आपको करंट फीलिंग्स यही कह रही है कि बंदा आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव है और कहीं ना कहीं नया रिलेशनशिप, नई चीज़ आपको इसमें इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी देखने सुनने को मिलेगी। हो सकता है वो आपको सरप्राइज़ भी दे दें, गिफ्ट भी दे दें, और कुछ ऐसा गिफ्ट दें जो आपको यू कैन कह सकते हैं, यू कैन से कि बहुत अवेटेड गिफ्ट हो। नंबर 1 के पार्टनर इन नंबर्स के अलावा तुला, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ, जेमिनी, मिथुन, टॉरस, वृषभ, सजिटेरियस, धनु या फिर एरीज, मेष, इन राशियों के हो सकते हैं आप खुद या फिर आपका पार्टनर। सो हे ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू माय रीडिंग, एंड ये हैं आपके कार्ड्स, ये हैं आपके टैरो कार्ड्स और ये निकले हैं ओरेकल डेक। यहाँ पर है स्पेल्स, यहाँ पर है टाइनी मैसेजेस जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, इसके साथ ये हैं आपके चार्म्स जो मैं आपको बताऊँगी चार्म्स लास्ट में। हम देख लेते हैं कि आपकी करंट जो फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो क्या कहती है, क्या आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता दूं कि जो ग्रुप नंबर 2 है, इस ग्रुप के लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल में चल रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, और अगर नहीं चल रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल ज़रूर आएगी। पार्टनर जो उनका है वो बहुत कुछ मटेरियलाइज़ करना चाहता है, तो कहते हैं ना कान का कच्चा होना, इस तरह की चीज़ें मैं इस रिलेशनशिप में देख रही हूँ। ये जो पार्टनर है, ये जो बंदा है, ये छोटी छोटी बातों में बहुत यू नो चीज़ें गहराई तक ले जाता है, बहुत फार साइटेड नहीं है, अभी फ़िलहाल में जो हो रहा है उसी को सोच के डिसीजन ले लेते हैं। तो इनका ये है कि बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही स्मार्ट है, टैलेंटेड है, लेकिन जो ड्रॉबैक है वो यही है कि बहुत फटाफट उनके मूड्स चेंज होते हैं, फटाफट उनके डिसीजन चेंज होते हैं। करंट डिसीजन पर अगर वो हैं अभी तो आगे जाके हो सकता है उनका डिसीजन बदल जाए, क्योंकि उनके आसपास मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, नेगेटिव लोग दिख रहे हैं। अब ये जो नेगेटिव लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप से जलते हैं, और इनकी जो फीलिंग्स हैं ये बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन
उथल पुथल लग रही है मुझे, बहुत डबल माइंडेड है, माइंडेड रहते हैं कई बार आपको लेकर के। लेकिन फ़िलहाल ये तो चीज़ें चल रही थी या चल रही हैं, लेकिन मुझे एक बात पक्का मैं आपको बता सकती हूँ कि ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर 3 हफ्ते, 3 दिन या 3 महीने के अंदर ये चीज़ें ज़रूर बदलेंगी और एकदम से आपकी रिलेशनशिप में चेंज आ जाएगा। वो जो रिलेशनशिप आपकी नहीं बन रही थी, हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स हो चुका हो, कुछ लोग सेपरेटेड हों, कुछ लोग दूर किसी ओवरसीज़ में हों, तो उनकी रिलेशनशिप हो और वो नहीं हो पा रही हो, साथ में चीज़ें मटरलाइज़, तो चीज़ें मटरलाइज़ होंगी। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप लोग बैठिए, कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों ही बातें करना चाहते हो, बातें करना आपको पसंद है, तो क्यों नहीं कम्युनिकेट करते हो। ये जो लोग हैं ये हो सकता है कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, एरीज, जेमिनाई, लीब्रा, कैंसर या फिर एक्वेरियस, ये लोग हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग कहीं ना कहीं ये लोग वर्गो साइन के हो सकते हैं। वर्गो, इनमें कहते हैं ना कि जेमिनाई एंड वर्गो साइन, तो इनका कुछ ना कुछ ज़रूर इससे रिलेवेंट होगा, नंबर 2 इनका हो सकता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर 1, ओके गाइज, ये नंबर इन लोग के हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक्ड फील कर रहे थे पिछले कुछ समय से, क्योंकि पास्ट में जो आपके साथ हुआ है ना, वो पास्ट की जो चीज़ें हैं वो आपको जकड़ के रखी हैं, उससे बाहर आइए। सबसे पहले कुछ समय से अगर कुछ लोग चाइल्ड प्लान कर रहे थे, कंसीव नहीं कर रहे थे, तो इस टाइम पर ज़रूर ज़रूर से वो लोग कंसीव कर पाएंगे। चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो चाइल्ड प्लान हो सकता है उनका पूरा फ्रूटफुल। इसके साथ ही अगर घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है तो ज़रूर गूंजेगी। सच दिख रहा है मुझे कि आपको पास से बाहर आके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, उनको भी मिल रही हैं, लेकिन आपको स्टिक रहना है इस पार्टनर के लिए, क्योंकि ये जो पार्टनर है ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव है। छोटी सी आपको रेमेडी करनी होगी कि आप अपने जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वाइट फ्लावर्स या वाइट कुछ फ्लावर पॉट ज़रूर रख लीजिएगा। इससे आपकी रिलेशनशिप में बहुत, आप देखेंगे बहुत सुधार आ रहा है, क्योंकि स्पेल, वाओ, सो अमेजिंग। ये लव स्पेल से मैसेज आ रहा है आपको, ब्यूटीफुल सा, बहुत ही इंस्पायरिंग बनाइए उस जगह को जहाँ पर भी आपका जो रूम है, आपका घर है, क्योंकि घर आपका खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट आपको नेक्स्ट जो मुझे कार्ड स्पेल आ रहा है वो है विज़न का, आपको विज़न मिले, आपको थॉट्स आएँ अच्छी अच्छी, आप आगे बढ़ पाएँ। ओके, अल्टर स्पेल है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यस, ठीक है, आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, अपने अंदर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, और वहाँ से आपको रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारे कहते हैं ना इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही लविंग एंड ब्यूटीफुल पार्टनर आपके लाइफ में है। अगर नहीं है तो आने वाला है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पूरी तरीके से पुरानी रिलेशनशिप वाइंड अप हो कि नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो, और जो ये जो पार्टनर है ये पॉजिटिव डेफिनेटली होगा, बहुत रोमांटिक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो ड्रीम देख रहा है कि हमारी ऐसी रिलेशनशिप हो, कि आप ब्लेस्ड हैं, और अगर ब्लेस्ड नहीं है तो आप फटाफट से ब्लेसिंग्स के लिए कनेक्ट होना स्टार्ट कर दीजिए यूनिवर्स से। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन अपने रूम में शांति से बिल्कुल 2 मिनट के लिए आँखें बंद करके मेडिटेट कीजिए। वेडनेसडे का दिन और लाइट ग्रीन कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन कलर भी आपके लिए अच्छा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे एंड थर्सडे, इन्हीं दिनों में आप अपने पार्टनर से मिलने की कोशिश कीजिएगा, और जब भी मिलने जाएं तो उनके लिए ग्रीन या वाइट कलर के, सी ग्रीन का कलर का कोई गिफ्ट लीजिएगा, या फिर वाइट कलर की कुछ भी फ्लावर्स वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं आप। साथ ही कोशिश कीजिएगा कि अपने कपड़ों में ग्रीन का कुछ ना कुछ पुट ज़रूर हो। ओके, तो अभी देख लेते हैं हम चार्म्स के आए हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स हैं, अभी हमको चार्म देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, यप, सो ये भी है, ओके, यस, प्रेजेंटेबल हो जाइए, प्रेजेंटेबल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ इंसान बिल्कुल घोड़े पे तैयार है, आपसे शादी करना चाहता है या फिर आपके को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपकी हाँ का इंतज़ार है, आपके डिसीजंस का इंतज़ार है। जो थर्ड पर्सन है वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस रिलेशनशिप में, और ये जो फोरकास्टिंग है ये डेफिनेटली आपकी फ्रूटफुल होगी। कहीं ना कहीं स्टक रहिएगा अपने डिसीजंस के अंदर, और साथ ही साथ एक नया आयाम हो सकता है, आप घूमने जाएं साथ में, ट्रैवलिंग साथ में करें, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप लोगों का बहुत टाइम से जाना लिखा और आप लोग नहीं जा रहे हो, वहाँ जाएंगे, साथ में रहने वाले हैं या घर लेने वाले हैं और आपका घर बसने वाला है। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 8 एंड यस, ऑफ कोर्स मैं इन कार्ड्स को भी देख लेती हूँ जो मैंने नहीं देखी, इसमें भी कुछ नंबर्स आ सकते हैं। नंबर 11, इसका मतलब नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है पहले भी, ये नंबर्स लिख लीजिए। फिनिश, यस, फर्म ऑन राइट डिसीजन, आई टोल्ड यू ना गाइस, अपने डिसीजन पर फर्म रहिए, टाइम इज़ एवरीथिंग,
यस योर गुरु इज़ कॉलिंग, यस मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ ना कुछ डोनेट करते रहिए, बहुत ज़रूरी है डोनेशन, कुछ ना कुछ लोगों की मदद करते रहिए और थैंक्स थैंकफुल हो जाइए, थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दिए। सच एन ब्यूटीफुल अमेजिंग एंड लवली रीडिंग, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनकी मदद कीजिए उनकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। आई लव यू सो मच गाइज, आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, सफल रहें, समृद्ध रहें, इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ ओम साई राम, जय माता दी।